गोवा में उठे सियासी तूफान को लेकर कांग्रेस का राहत कार्य जोर पकड़ पाता इससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस में जोरदार धमाके होने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर आर रतूड़ी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद महिला प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस से अलग होकर ये नेता जल्द ही अपना नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। रतूड़ी पिछले 45 सालों से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज मन अत्यंत आहत है, मैंने अपने जीवन के 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिए और अब कांग्रेस के जो हालात हैं वह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी नेतृत्व द्वारा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, पार्टी में जिस तरह का अंतर कला है वह सब अत्यंत ही दुखद है। 2017 के चुनाव परिणाम से सबक लेने के बजाय 2022 की चुनावी हार के बाद पार्टी में गुटबाजी और तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व नहीं चाहता कि 2027 में पार्टी चुनाव जीते। चंपावत चुनाव में पार्टी की जो दुर्गति हुई उसके बाद भी जब बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया पर रोज झगड़ते दिख रहे हैं उससे कार्यकर्ता अत्यंत हतोत्साहित हैं। इसलिए मैंने आज आहत होकर कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से अपने को मुक्त करते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का बड़ा दलित चेहरा महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन ने भी पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया में इसकी घोषणा की। कमलेश लंबे समय तक राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्षा भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।